कंसंट्रेट, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर वन, फर्स्ट नंबर, पूरा कंसंट्रेट। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2×10⁻¹ कूलम एंड 3×10⁻¹ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्ज है, एक है 2×10⁻¹ कूलम, दूसरा है 3×10⁻¹ कूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स की फॉर्मूला हमने डिफाइन की हुई है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू तुम्हें पता है 9×10⁻¹, क्यू वन 2×10⁻¹, क्यू टू 3×10⁻¹ डिवाइड बाय 0.3 का होल स्क्वायर। अब 0.3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में कैंसिल होगा, लेकिन नीचे 10⁻¹ भी होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो -2, ऊपर जाएगा +2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2×3 6, 10⁻¹ -7 -7 +2 +2, इसीलिए वो 10⁻¹ का स्क्वायर 10⁻², ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 9 - 7 = 11, 11 - 14 - 3, 6×10⁻³ न्यूटन। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? हाँ बेटा क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ सर, चलो उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ। लिखना बाकी है, बेटा लिखना बाकी है कि लिख दिया? सर हो गया, हो गया सर। तो आगे बढ़ते हैं, चलो अभी ध्यान दो नंबर सेकंड पे। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. Q1 दिया 0.4 microcoulomb. Due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb. दूसरा चार्ज कितना है? -0.8 microcoulomb. In here 0.2 newton. Force तुम्हें दिया है 0.2 newton. What is the distance between two spheres? हमें find करना दोनों के बीच का distance क्या होगा? तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे F equals to K Q1 Q2 by R square। हमें R फाइंड करना है, R की वैल्यू क्या ले लेंगे, K Q1 Q2 by F। यहाँ पे जो वैल्यूज तुम प्लेस करोगे तो मैग्नीट्यूड प्लेस करना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, K तो 9×10⁻¹ है, Q1 क्या है 0.4 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, लेकिन ध्यान से अगर नोटिस करो Q2 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे तुम नेगेटिव प्लेस नहीं करोगे, वैल्यू तो प्लस में प्लेस करोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए। समझ आए बात, क्लियर बेटा? फिर नेगेटिव चार्ज है, फिर भी हमने प्लेस पॉजिटिव ही करेंगे, यानी कि हम मैग्नीट्यूड। यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.2 है तो 0.2 उसमें गया, ये हो जाएगा 2 की टेबल, 9×1.6 करेंगे तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा तुम्हारा, 9×1.6, 10⁻⁹ - 6 - 6, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9×1.6, 10⁻⁹ - 9 - 6 - 6 - 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 9×16×10⁻⁴ कर दूंगा, पॉइंट इधर लेके को -4, फिर रूट कर देंगे, 9 का √3, 16 का 4, और ये हो जाएगा 10⁻², मतलब R हो जाएगा 12×10⁻²- मीटर, या इसको 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में सबको बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। फिर दूसरा मैं क्या पूछा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इसी में सेकंड नंबर है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट।
तो तुम बता सकते हो क्या आंसर होना चाहिए सेकंड में? पहले वाले का दूसरे पे फोर्स था 0.2 न्यूटन, तो सेकंड वाले का पहले पे कितना फोर्स होगा? बोलो। फर्स्ट वाला स्पीयर अगर सेकंड वाले स्पीयर पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे कितना लगाएगा? सेम सेम लगाएगा। सिंपल है, तुम क्या बोलेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय सेकंड इज सेम एज फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड बाय फर्स्ट। समझ में आई बेटा बात? तो हम लोग इसमें फोर्स वैल्यू सेम लिखेंगे, 0.2 न्यूटन। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। नाइस। लिख लो पहले, फास्ट लिख लो फटाफट। लिख लिया? क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, इसको मिटा दो। नंबर थ्री पे कंसंट्रेट, एक्सरसाइज का नंबर थ्री। चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। चेक करना है रेशियो, इसका रेशियो। एक टर्म दिया है के स्क्वायर जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस, मतलब इस रेशियो का जो यूनिट है वो डायमेंशन लेस आना चाहिए। किस रेशियो का? के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तुम्हें याद है के का यूनिट क्या था? इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के का यूनिट है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन एंड ई है ना, इसका यूनिट क्या होता है? What is the unit of E? बोलो। E का कूलम, वेरी गुड। यानी यहाँ पे आएगा कूलम का स्क्वायर, क्योंकि E एक चार्ज है। चलो नीचे जो कैपिटल G है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम ई एम पी दोनों मास है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो देखो इसमें कोई यूनिट बच रहा है कि सारे कैंसल हो रहे हैं? कैंसल हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं। तो सारे कैंसल होंगे, तो टोटल जो हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम में कैंसल, कूलम स्क्वायर में कैंसल, न्यूटन न्यूटन मीटर में कैंसल, तो ये चीज क्या बन जाएगी? डायमेंशन लेस। गॉट इट? फिर बाद में पूछा है लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो वैल्यू के लिए तुम्हें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो वैल्यू डाल के देखते हैं। मुझे बताओ के की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 9 × 10⁻¹¹. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 1.6 × 10⁻¹¹. चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 10
बेटा कैपिटल जी है 6.67 ये प्रोटॉन है। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद है कुछ? 9.1 × 10⁻³¹ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रख लेना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹। चलो मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 × 10⁻³¹, प्रोटॉन का मास ये होता है 1.67 × 10⁻²¹ इलेक्ट्रॉन का और ये प्रोटॉन का, याद रहेगा। चलो बेटा इसको सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आती है फटाफट सॉल्व करो तुम लोग। देखो ये 0.227 आ रहा है, देखो तो आएगा 10⁻⁴० मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 2.27 × 10⁻³¹। आई बस बेटा सबको क्लियर एवरीवन? यहाँ पूछा है व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, तो अगर एक्चुअल ध्यान दो ना तो ये के स्क्वायर ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स में आता है और GMEMP ग्रेविटेशन फोर्स में आता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस रेशियो सिग्निफाई दैट द वैल्यू of electric force, value of electric force between proton and electron, between proton electron is much more than gravitational force between electron and proton। समझ में आई बात बेटा? क्लियर? लिख लो पहले पास और मुझे डन का एक मैसेज डालो। सबने बता दो, क्लियर कर दो। हाँ सर।
चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर फोर्थ पे जाते हैं. फोर्थ और फिफ्थ तुम्हें खुद करने हैं, थियोरिटिकल है, तुम्हें खुद पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है. इसका सॉल्यूशन में मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो मतलब मैथमेटिकल नहीं है. कॉन्सेंट्रेट ऑन सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन. फोर्थ पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी इक्वल्स टू -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम एंड क्यू डी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम. Are located at the corners of a square A, B, C, D of side 10 cm. What is the force on charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? Well, like square hai, jisme char charge hai. 2 micro, -5 micro, 2 micro, -5 micro. Phir center pe ek charge hai 1 micro. Pucha hai center wale pe force find karo. To simple baat hai, center wale pe total 4 force lagenge. तो हम पहले ए वाले की बात करते हैं. तो ए वाला 2 माइक्रोकुलम का है, सेंटर वाला 1 माइक्रोकुलम का है, दोनों प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच में हमेशा रिपल्जन होता है. तो ए वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये दिख रहा है ए वाला यहाँ पे दिखाया हुआ है. सेम सी वाला भी 2 माइक्रो वाला है, तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये सी वाला है. तो ध्यान से देखो, ए और सी आपस में ऑपोजिट है और साथ साथ में दोनों की वैल्यू भी सेम है. जब दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, तो मुझे बताओ दोनों की वजह से सेंटर पे कितना फोर्स होगा? जीरो. 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 तो हम इसको क्या लिखेंगे? पूरा कॉन्सेंट्रेट. फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट that the force acting on one coulomb charge by charges placed on A and C are equal in magnitude, opposite in direction, hence their resultant becomes zero. समझ में आई यहां तक बात? किसी को डाउट? हाँ. फिर सिमिलरली अब हम बात करते हैं इनकी बी और डी. तो ध्यान से देखो, बी वाला जो है वो माइनस है, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बी वाले ने अट्रैक्ट किया, और डी वाला भी माइनस है, वो भी अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, फिर भी फोर्स की डायरेक्शन में ऑपोजिट हो गई. तो मुझे बताओ बी और डी की वजह से रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो. जीरो ही आएगा. तो इसमें भी हम ऐसा लिखेंगे, सिमिलरली the force acting on one coulomb charge by charges placed on B and D are equal in magnitude, opposite in direction, and their resultant also becomes zero. So last final statement kya rakhenge? From above discussion, it is clear that the overall resultant force on charge 1 coulomb is zero. I was only with us, of course, clear everyone. Samajh mein aayi baat? Yes, sir. Likh lo pehle fast. Message karo fast.